हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सच होंगे, मैं भी अच्छा हूं और स्वागत करता हूं आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं बेसिकली अपनी हॉर्नेट 2.0 का ABS टेस्ट करने वाला हूं और ये 3 डिफरेंट स्पीड में मैं टेस्ट करूंगा। ट्रक पहली स्पीड जो हमारी होगी ये 50 के अप्रॉक्स होगी और दूसरी स्पीड 60 पे होगी और थर्ड स्पीड हमारी 70 पे होगी और देखते हैं कि ABS कितने प्रॉपरली वर्क कर रहा है, गाड़ी फिसल रही है क्या या स्किट हो रही नहीं हो रही, क्योंकि इसमें सिंगल चैनल ABS आता है और फ्रंट ब्रेक में ही ABS रहता है इसमें। तो चलो टेस्ट करते हैं चीज़ को और बताते हैं आपको कि कैसा इसका ABS रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि होंडा के ABS काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिव होता है गाड़ी पे। और अब इसका ज़रा ABS टेस्ट करते हैं हम। अब मैं आपको साइड से तो व्यू दूसरे व्यू से दिखा नहीं पाऊँगा कि कितनी दूर तक गाड़ी कैसे स्लिप हो रही साइड से, क्योंकि मैं अभी सिंगल ही, क्योंकि मेरे फ्रेंड वेंड को कुछ काम पड़ गया था इस चक्कर में, वरना आपको मैं दिखाता। चलो मैं वैसे ही आपको बता ही देता हूँ कि कितना रिस्पॉन्सिव है। कुछ तो हम राइडर चलाएंगे तो उससे फील हो ही जाएगा। तो हम पहले अभी 50 की स्पीड पे गाड़ी का टेस्ट करेंगे। तो अभी मैं 50 की स्पीड में, ओ भाई काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो गाइस 50 की स्पीड में तो गाड़ी बहुत प्यार से रुकी, मतलब गाड़ी हल्की सी स्किट नहीं करी है। मैं आपको दिखा दूँ, देखो हल्की सी स्किट नहीं करी गाड़ी, मतलब ऐसा लगा कि जैसे गाड़ी का टायर लॉक भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो अब जरा हम करते हैं इसका सेकंड किलोमीटर में चेक। चलो अब करते हैं हम 60 की स्पीड में टेस्ट इसका। आज रोड भी खाली है और आज काफ़ी अच्छा मौसम भी है, देख पा रहे हो आप। तो हम ध्यान देते ज़रा 60 की स्पीड में, पीछे कोई आ तो रहा नहीं है। देखो 60 की स्पीड में हमें, और मैंने आगे का ब्रेक ही अप्लाई करा, बस बहुत सही हुआ यार, गाड़ी बिल्कुल स्किट ही नहीं हो रही यार, मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव है कि जो उसका ABS वर्क कर रहा है, गाड़ी रपड़ भी नहीं रही है, मतलब इतनी ऐसे ही मेरे को उम्मीद नहीं थी सिंगल चैनल ABS में भी। एक तो उसका USD अपसाइड डाउन फोक्स है, वो भी इसका हेल्प कर रहे होंगे थोड़ा पुश करने के लिए टायर को ज़मीन पे। तो अभी हमने कर दिया 50 और 60, अब 70 पे करते हैं टेस्ट। ये देखो हैवी ड्राइवर, अभी 70 की स्पीड में अप्रॉक्स हूँ, करेक्ट 70 की स्पीड में हूँ और मैंने ब्रेक अप्लाई करे, ठीक है, गाड़ी बिल्कुल नहीं रपटी यार, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है गाड़ी का। चलो एक बार 80 की स्पीड में भी ट्राई करते हैं यार, पर मैं ये बोलूँगा कि घर में ट्राई ना करें, क्योंकि आपको पता है हर जगह की रोड ऐसी पक्की नहीं होती है और कुछ अनहोनी ना हो, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक ही है एक तरह से, किसी चीज़ पे मशीनरी पे हम ज़्यादा रिलाय नहीं हो सकते हैं, कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए किसी का। तो 80 की स्पीड में एक बार ट्राई करेंगे हम, जो मैं कर रहा हूँ आप ट्राई ना करें, मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि अगर कहीं अनहोनी होती तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। हम तो कर एक प्रॉपर एक स्पेस देख के मैं यहाँ पे चौड़ी रोड पे कर रहा हूँ और ये रोड मेरी जानने वाली है, मैं देखा हूँ यहाँ पे बार बार आता रहता हूँ, तो इस चक्कर में मुझे पता है रोड के बारे में। तो अभी हम 80 पे गाड़ी को खींचते हैं, अभी 80 की स्पीड में आप देख पा रहे हैं 82,
ओ भाई साहब, दोनों कार चला रहा हूँ। तो गाइस आपने जैसे कि देखा है, मैंने ईबीएस टेस्ट करा, टायर देखो टायर घिस गया पूरा। पर यार भाई आगे ये ब्रेक में गाड़ी इतना अच्छा रुक रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इस गाड़ी का ब्रेक का, ईबीएस का। और जो ईबीएस के सेंसर प्लेट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, इस सेंसर प्लेट ही सेंस करता है कि इसको कितना ब्रेक करना है और कितना ब्रेक को छोड़ना है। तो जितने इसमें खांचे होंगे, मल्टीपल इसमें जो प्लेट में खांचे होंगे, उस हिसाब से ब्रेक के जो डिस्पैट है आपकी चिपकेंगे छूटेंगे उतने सेकंड में। एक एक सेकंड में शायद 60 से 45 टाइम्स ये ब्रेक आपके चिपकते हैं और फिर हट जाते हैं वापस, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि सिंगल चैनल ABS भी इतना अच्छा रिस्पॉन्सिव हो सकता है और लाइफ सेवर हो सकता है। अगर आप ये गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो यार आग बंद करके ले लो। और हाँ, एक मेरे को टॉपिक बताना था कि लोग बोल रहे थे यहाँ से इसकी ऑयल लीकिंग होती है, मेरी तो नहीं हुई। और मैंने गाड़ी कम से कम 1000 या 1200-1300 चला चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 1377 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ, और पहली सर्विस के मैं 623.9 किलोमीटर में गाड़ी को चला चुका हूँ अभी तक। तो ऐसा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, हीटिंग इशू भी नहीं हुई गाड़ी में, और गाड़ी में ऐसा कुछ दिक्कत भी नहीं लगी मुझे। गाड़ी काफ़ी अच्छी है और कोई कमी पैसे मुझे गाड़ी में लग नहीं रही है। और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था उसके लिए सॉरी, क्योंकि हाईवे है, ऑल वेदर रोड है, पहले बहुत छोटी थी अब बड़ी हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और अगर पसंद आई है तो यार लाइक ठोको, कमेंट करो और सपोर्ट करो अपने मैगजरी व्लॉग चैनल को। और ऐसी ही व्लॉग मैं लाता रहूँगा, मोटो व्लॉग आपको या डेली ऑब्जर्वेशन वीडियो मैं लाता रहूँगा। और सोच रहा हूँ कि एक व्लॉग मैं अपनी लाइफ के बारे में बनाऊँ कि मैं दिन भर क्या करता हूँ, कैसे मेरा टाइम कटता है आजकल के टाइम पे, तो उसमें भी बनाऊँगा। और हाँ, अगर आगे थोड़े कुछ दिनों बाद मैं राइड पे जाऊँगा तो उसका भी मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए डिटेल में।